नंबर 5 और एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है। 5th में क्या है, इफ चमेली हैड रुपीज 600, चमेली के पास कितने रुपीज है 600 लेफ्ट, लेफ्ट मीन बचे, कि सिर्फ 600 बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, कि जितना मनी उसके पास था उसमें 75% स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं 600। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो कहता है कि भाई उसके पास बिगिनिंग में कितना मनी था वो चीज हमें बतानी है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में करते हैं हम, अब उसने ये नहीं दे रखा कि उसके बिगिनिंग में कितने था चमेली के पास, तो हम लेट कर लेते हैं कि बिगिनिंग में उसके पास कितना मनी था। लेट टोटल अमाउंट अमाउंट चमेली हैड इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं कि उसके पास कितने रुपए थे, एक्स रुपए थे। अब देखो इसने चमेली के पास 600 बचे हैं और इसने अपने मनी का कितने परसेंट खर्च कर दिया, 75% स्पेंड कर दिया। देखो स्पेंड कर दिया उसने, सी स्पेंड कितने परसेंट, 75%। अगर उसने 75% स्पेंड कर दिया तो उसने सेव कितना किया, तो सी सेव, सेव कितने किया, देखो कोई भी चीज जैसे 100% मनी था उसमें और उसने 75% खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25% आ जाएंगे। क्लियर हुई बात, टोटल अमाउंट कितना लेट किया था हमने, एक्स। अब उसने कितना 100, जैसे उसके पास 100% मनी है, 100% में से उसने स्पेंड कर लिया 75%, तो उसने कितना सेव कितना किया, भाई टोटल 100% में से हमने माइनस कर लिया 75%, तो कितना बच गया उसके पास, 25%। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में क्या है, चमेली हैड रुपीज 600 लेफ्ट, कि उसके पास खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे हैं, 600 बचे हैं, तो कितने सेव कितने किए उसने, 25, तो ये कितने हो गए, 25% ऑफ टोटल, टोटल कितना था एक्स, इज इक्वल टू ये बचे हुए पैसे हैं तो कितना है उसके पास, 600 है। अब देखो 25% का मतलब क्या है, 25/100, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू कितना है 600। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की, तो इसको ले जाओ राइट साइड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 25, 5 से कट कर दो, 5 जा 25 और ये कितना आ जाएगा, 5 जा 10 और ये 0, 5 जा 5 और 5 जा कितना आ जाएगा 20, 600 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने रुपीज आ जाएंगे, 4 6 जा 24 और ये कितने 0 आ गए, 00। तो चमेली के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 2400। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, टोटल अमाउंट किसने लेट किया था, उसने एक्स लेट किया था, स्पेंड कर दिया 75%, तो उसके पास लेफ्ट मनी कितना बचा, 25%। तो क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि उसके पास जो लेफ्ट मनी है 600 है, तो कितने का, 25% ऑफ एक्स हो गया क्योंकि लेफ्ट मनी है, तो इससे 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये एक्स इज इक्वल टू 600 और इससे हमें कैलकुलेट कर लिया एक्स जो कि आ गया 2400। तो चमेली के पास जो टोटल अमाउंट था बिगिनिंग में वो कितना आ जाएगा, 2400। तो इसके साथ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।